कठुआ जिला में दो चार जो नई उपलब्धियां अभी हाल ही में हुई हैं, एक तो हमारा होम्योपैथी कॉलेज लगभग 70 करोड़ की लागत से काफी प्रयास के बाद उसको केंद्र से राशि उपलब्ध करवाई गई है और आयुष मंत्रालय के अंतर्गत उसका निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक कॉलेज इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर है, जिले से थोड़ा बाहर है गढ़वाल में, वो भी शुरू हो चुका है उसका भी काम। और आने वाले समय में कुछ शुरू होगा कि एक विशेषता और भी होने वाली है कि फिशरीज का काम यहाँ पे बहुत हो रहा है, मछली पालन का, जो पहले कभी किसी ने ये प्रयोग नहीं किया था। तो मैं बधाई दूंगा अपने कार्यकर्ता साथियों को भी, प्रशासन को भी, उनके सौजन्य से। मुझे लगता है आने वाले समय में हम जो ट्राउट मछली कश्मीर में पाई जाती थी वो कठुआ से तैयार होकर के बाहर जाएगी। इसी तरह से कठुआ का वो जिला है जहाँ बैम्बू के सबसे पहले क्लस्टर लग रहे हैं, क्योंकि आज से 6-7 साल पहले हमने ये बेड़ा उठाया था कि यहाँ पर बहुत हमारे पास घने जंगल है रेवेन्यू बैम्बू को लेकर के, कठुआ में, सांबा में, रियासी में, जिनका पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो पूर्वोत्तर के कुछ एक विशेषज्ञों को ला करके उनके सौजन्य से वो भी काम शुरू किए। इसके अतिरिक्त इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में जितना विकास मोदी जी की, उनकी उदारता और उन्होंने जितने भी हमें सहयोग और सहायता दी है उसके कारण संभव हुआ, उसकी तुलना किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं की जा सकती। बल्कि बहुत से ऐसे काम जो रुके पड़े थे, शायद विधाता को मंजूर था कि मोदी जी आए तो शुरू हो। शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, जिसका उल्लेख मोदी जी ने स्वयं किया था जब 2019 में वो जम्मू पधारे थे, सन 70-75 से वो रुका पड़ा था, 45 वर्ष के बाद उसका काम शुरू हुआ। पहला फेज तैयार हो गया, 1-2 फेज और होंगे। जब वो तैयार पूरी तरह से चालू हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये सारा का सारा इलाका कठुआ सांबा का पानी और बिजली से मालामाल होगा। पंजाब को भी उसका लाभ होगा, आने वाली पीढ़ी के बच्चे भूल जाएंगे कंडी को कंडी क्यों कहते हैं। इसी प्रकार एक ही मात्र कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मेडिकल कॉलेज केंद्र के सहयोग से आए हैं, कठुआ में, उधमपुर में, डोडा में। कठुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज केंद्र के सहयोग से मोदी जी की एक स्कीम थी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योजना अभियान, उसके तहत आया सीड प्रोसेसिंग प्लांट सबसे पहले आया जो 3-3 प्रदेशों को, वो भी केंद्र के सहयोग से। इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, डिपार्टमेंट बायोटेक टेक्नोलॉजी मुझे लगता है कि देश का 11वां या 12वां है। पुलों का यहाँ जाल बिछ गया। पीएमजीएसवाई में